الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين عزيزان غرامي سلسلة گفتگو جو نبوت کی بحث میں جاری ہے इस सिलसिले गुफ्तु में बहुत सारे पहलुओं से हमने नबूवत के अक़ीदे के बारे में और नबूवत के इस चैप्टर में जो मुख्तलिफ़ डायमेंशनज़ हैं मुख्तलिफ एंगल्स मुख्तलिफ जो इश्यूज और मसाइल हैं नबूवत के चैप्टर में उनके बारे में गुफ्तु की और अब हमारी गुफ्तु पहुँची है इस नुकते पर किरण मजद जो जिंदा और अबदी मज़जा मु, है अल्लाह के हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तो ये मज़जा जो है ये महफूज है तहरीफ से और गुफ्तु ये पहुँची थी कि ये तमाम अदवार में तमाम ज़मानों में जो हमारा ये अकीदा है दलील के साथ के अम्बिया आसलम का मबूस होना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत का सामान फराहम किया है और ये अम्बिया आलामाम सबसे बेहतरीन वसीले हिदायत हैं बशर के लिए इंसानों के लिए और ये शरियतें जो तब्दील हुई और मुख्तलिफ मुख्तलिफरीतें बाद में आने वाली शरीत पहले वाली शरीत के बहुत सारे अहकाम को नस्ख़ कर देती है नासक होती है पहली शरीत की यानी बहुत सारे कसरत से अहकाम नस्ख़ हो जाते हैं मनसूख हो जाते हैं और उस साबिका शरीत के काफ़ी अहकाम ऐसे भी हैं जो बाकी रह जाते हैं और इसकी वजह और मुसलसल पैगम्बरों का तसलसल के साथ हर जमाने में आते रहना और उनकी ज़रूरत अम्बिया के हर दौर में ज़रूरत और ये शरीयतों के बारे में जो शरीयतें तब्दील हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से और अहकाम जो मुख्तलिफ ज़मानों में कुछ हद तक थोड़े बहुत बदलते रहे हैं और तब्दीलियाँ अहकाम में आती रही हैं उसकी वजह यह है कि ज़माना गुज़रने के साथ साथ दौर जैसे जैसे गुज़रता चला जाता है मुख्तफ़ल और फ़नून इंसानी माशरे में जन्म लेने लगे और वजूद में आए और उलूम की तरक्की हुई उकूल की तरक्की हुई अखिल बशर ने तरक्की का सैर व सफ़र करते हुए रास्ता तय करते हुए मरल को तय करते हुए आगे की तरफ जो सफ़र है अखिल बशरी का और तरक्की जो अक़ूल में पेश आई है और फिर हालात और ज़माने के लिहाज से तकाज़ों का मुख्तलिफ होना लिहाजा ये चीज़ जो है इस बात का तकाज़ा करती है कि अहकाम जो है उस दौर के ज़माने के ज़रूरियात जो हैं जो कुछ ज़रूरी है उस ज़माने में और हालात का तकाजा है ज़माने का तकाजा है जो कुछ सलाह और फलाह है बशर के लिए उस ज़माने में उस लिहाज से कवानी जो है उनको तश्कील दिया जाए कवानीन और जवाब को मुरतब किया जाए ताकि उन कवानी पर अमल पैरा हो और मसलहतों को हासिल कर सके और नुकसान से और मफासद से बच सके इंसान हर ज़माने का लिहाजा मुख्तलिफ़ शतें इस लिहाज से देखा जाए तो आती रही हैं और फिर आखिरी शरीय जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम की शरीत जो बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट शरीत और परफेक्ट और कंप्लीट रिलीजन और अल्लाह के नज़दीकी सबसे पसंदीदा दिन है इसलिए कि सबसे परफेक्ट ऐसा दीन क्या रहती दुनिया तक क़्यामत तक तमाम आने वाले हालात में और तमाम जमानों में क़्यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ खित्तों के इंसानों के लिए ये अहकाम जो बयान हुए हैं वो बशरीत के लिए सलाह और बशरीत की फलाह का सबब हैं और इसी में इंसान की कामयाबी है इसी में इंसान के लिए नजात का रास्ता और शदत जो है इसी में सक्सेस है इंसान के लिए हकीकता सक्सेसफुल लाइफ और उस आखिरत की कामयाबी और हमेशा हमेशा की एटर्नल लाइफ में रियल सक्सेस जो है वो इन्हीं अहकाम पर और इन्हींवानी और जवाब पर इस्लाम के अमल करके इंसान को मिल सकता है ये कामयाबी मिल सकती है और ये शदत हासिल हो सकती है और ये जो कुछ तरक्की का रास्ता है हक़ीकी तरक्की वो उसे नसीब हो सकती है अजीज़ा ग्रामी लिहाजा ये कुरान जो किताब है अल्लाह ताला की और ये आखिरी दीन जो पसंदीदा दीन है और तमाम इंसान दुनिया के ज़िम्मेदार हैं कि इस दीन की मारफत हासिल करें दीन शनासी सब का फरीज़ा है तमाम इंसानों का कि वो दीन हक़ को पहचानें शनाख्त हासिल करें मारफत हासिल करें और अल्लाह ताली की मारफत हासिल करें और फिर अल्लाह के इस पसंदीदा दीन के कवानीन ववालत पर अमल पैरा होकर अपने लिए नजात का ज़रिया फराहम करे और नेक आमाल के ज़रिए आखिरत में कामयाबी सदत और हमेशा हमेशा की आरामदेह ज़िंदगी फराहम करे और रजा परवरदगार और अल्लाह की खुशनुदी वो सबसे बाला तर चीज है वो मबूद है वो खालिक है वो मालिक है और उसी की हकीकत में इंसान के लिए यही हकीकी कमाल है उससे तकर्र हासिल करना ये इंसान के लिए बहुत बड़ी सदत और सबसे बड़ी कामयाबी है तो आजीज़ आने रामी अब ये शरीत जो हमेशा के लिए रहती दुनिया तक के लिए आई इंसानों के लिए और अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं उन पर ख़त्म नबूत हुआ तो ये कुरान जो ज़िंदा मोज़ज़ा है अल्लाह के हबीब का ये रहती दुनिया तक इंसानों की हिदायत का वसीला है इंसानों की हिदायत के लिए ये क़ुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया और रहती दुनिया तक ये इंसानों के लिए और हिदायत जो चाहते हैं अपने लिए कोशिश करते हैं हिदायत पाने की उनके लिए ये कुरान हिदायत है सरापा हिदायत है और यकीन जो कोशिश करता है हिदायत हासिल करने की और नसीहत हासिल कर लेने की इस कुरान से वो यकीनन नसीहत पकड़ सकता है और हिदायत याफ़्तः हो सकता है इस क़ुरान मजीद में तदब्बर करके इसकी तलीमत जो है वो सीख कर और अहिलम से इसकी तफसीर लेकर और कुरान के मतालब में ग़ौर फिक्र करते हुए कुरान की हिदायत और नसीहतों को देख कर सोच कर इस इस बारे में और तफक् करके इंसान हकीकतों को जानकर अपने लिए सदत का सामान फराहम करता है तो ये कुरान हमेशा हमेशा के लिए अब रहती दुनिया तक हिदायत की किताब है तो ये नई शरीयतें जो आती रही तो उसमें एक तो बात ये बयान हो गई कि ज़माने और मकान के लिहाज से जो बाद में आने वाली शरीयें हैं अल्लाह ताली की तरफ से ज़रूरत थी उस बात की कि अहकाम में तब्दीली आए अहकाम में ज़माने और मकान के लिहाज से इंसानों की सलाह और फलाह के लिहाज से कुछ अहकाम बदल जाएँ और कुछ अहकाम जो हैं वो वही बाकी रहें तो अजीज़ा ग्रामी अब ये जो हम मोहतरम नाजर की ख़िदमत में ये बात ताक़ीद के साथ बयान करते हैं और बाज़ नुकों को तकरार करते हैं ताकि मतलब जो है वह अच्छे तरीके से सामीन कराम के अजहान आलिया में बैठ जाए और वाज़ हो जाए बात कि ये मुख्तलिफ शरीतों के आने का फ़लसफ़ा और हमत क्या है तो एक तो ये कि ज़माने और मकान के हालात तकाज़ा ऐसा करते हैं और दूसरी बात यह है कि जमाने और मकान के तकाज़ों के अलावा जब सबका किताबों और शहीफ़ों में तब्दीली कर कर दी गई तहरीफ हुई और लोगों के लिए हक मुशतब होने लगा तो फिर बाद के पैगम्बरों पर दूसरी शरीतें आईं और दूसरी शरीतों के जरिए दोबारा अहकाम जो अल्लाह के हैं हकी अहकाम जो इंसानों के लिए कवानीन ववालत हैं जिन पर इंसान अमल करे तो उस हासिल कर सकता है वो बाद के अम्बिया के जरिए दूसरी शरीय में आने वाली शरीयों में बयान हुए और सबका शरीतें जो थीं वो मनसूख हो गई और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसी तरह सिलसिला पहुँचता है और क़ुर मजीद तक पहुँचता है मा सबक की जो किताबें हैं सहीफे हैं उनके बाद गुज़रता हुआ दौर यहाँ पहुँचता है कि कुरान मजीद अल्लाह के प्यारे हबीब पर खत्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लाम वसम पर यह नाजिल होता है ये कलाम इलाही जो इंसान की हदायत के लिए आया है इंसान की तरक्की के लिए आया है इंसान को सदत से हमकिनार करने के लिए आया है तो अजीजानगरामी ज़रूरत पस इस बात की थी कि यह कुरान जो है वो महफूज हो अब तहरीफ से चूँकि रहती दुनिया तक ये किताब हिदायत है रहती दुनिया तक ये किताब हिदायत है लिहाजा आप देखिए कि हमारा ये अकीदा है कि दीगर किताबें जो हैं उनमें तहरीफ की गई इंजील में तहरीफ की गई है तब्दीली की गई है तोरैत में तब्दीली की गई है उसमें तहरीफ वाक़ हुई है और ये मशहूर चीज़ें हैं और उनको उन किताबों का मताल करने से भी पता चलता है कि बहुत सी ऐसी बातें अंदर आ गई हैं जो फितरत सलीमा और अकल सलीम उसे कबूल नहीं करती या उनको पढ़ के बजाय ये कि हिदायत पाए इंसान एक तश्वीश में मुबतला होता है बहुत से मकाम पर तो अजीज़ा ग्रामी और ये मशहूर वरूफ है कि और क़ुरान मजीद में भी इस बात की तरफ जो है वो निशानदेही की और बयान किया इस बात को कि सबकताबों के अंदर उस उम्मत के उलमाने और उस उम्मत के जो ज़िम्मेदार थे जिनके हाथों में ये किताब थी उन लोगों ने जो है वो दुनिया की खातिर और दुनिया कमाने की खातिर दुनिया के इकतसाब की खातिर जो है किताब में तब्दीली की और तहरीफ की तो अब कुरान मजीद जो है अल्लाह की ये किताब जो क़यामत तक इंसान की हिदायत के लिए आई है तो आप देखिए कि इसीलिए सूर मुबारक हजर में अजीज़ान ताला ने ग्रामी अल्लाह खुद भी इस बात को वाजह किया और ये बयान होता है इस किताब में सूर मुबारक हजर में और आयत का नंबर है नौ वर्ष नंबर नाइन में और उस आयत में ये बयान हुआ यहाँ पर कुरान मजीद में के बसमल्लामरिम इन्ना नहनु नज़ल निकर व इन्ना लहू लह बेशक हमने ज़िक्र को नाजिल किया है यानि हमने इस कुरान को इस क़ुरान को इस ज़िक्र को, को नाजिल किया बेशक और यकीनन हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं तो ये इन्ना लहूल हाफून यानी इसका नज़ुल हमारी तरफ़ से है और इसकी हिफाजत भी हमारी तरफ़ से है इसकी हिफाजत गोया हम करेंगे और हमने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है तो इस आयत मजीदा से ये बात रोशन होती है कि ये किताब ऐसी किताब है कि जिसको अल्लाह ने महफूज़ फरमाया और एक आयत करीमा जो एक मुनासिबत से पहले भी आप सामीन की ख़िदमत में पेश हुई थी कि जिसमें बयान हुआ कि बातिल न इस किताब के सामने से इसमें दाखिल हो सका ना पीछे से दाखिल हो सका है किसी तरफ़ से भी बातिल जो है इस किताब के अंदर नहीं आ सका है और हर किस्म के बातिल से और हर किस्म के जो है वो इश्तबा से ग़लती से ये किताब महफूज है तो उस किताब का कम वो ज़्यादा हो जाना अज़ीज़ा ग्रामी जो किताब में नहीं है उसका किताब में दाखिल हो जाना या किताब में जो चीज़ है हिदायत की उसका किताब से निकल जाना फ़र्ज़ करें ये चीज़ें गोया क्या हैं ये चीज़ें वो हैं कि जहाँ पर एक किताब जो है वो अपने सही हालत में महफूज नहीं रहती तो फिर वो कैसे बशरियत के लिए क़यामत तक के दिन के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये हिदायत का बेहतरीन वसीला कैसे ये किताब करार दी जाएगी और कैसे ये किताब हिदायत बन सकेगी बशर के लिए इंसानों के लिए ये उसी वक्त मुमकिन है कि इस किताब को महफूज रखा जाता इस किताब की हिफाजत की जाती और अजीज़ में हमारा अकीदा इस किताब के बारे में यही है कि ये क़ुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर नाजिल किया अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा दीन है और उस दीन की तरफ रहनुमाई करने वाली उसके कवानीन को बयान करने वाली जे किताब है जो वाही की सूरत में अल्लाह के हबीब पर नाजिल हुई ये किताब अल्लाह ने इसको नाजिल किया और अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और यकीन के साथ बताया कि शक को शुभ ना करो इसमें, बेशक यकीनन हम जो है इसकी हिफाजत करने वाले हैं तो मौजत सामीन, बात रोशन हो गई खुलासा दो मिनट में गुफ्तु का बयान करूँ कि अल्लाह ताली ने किताब में रोशन तरीके से बयान कर दिया है कि बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं हम इसकी हिफाज़त करेंगे और दीगर आयतों में ये बयान हो गया कि बातिल ना इसके आगे से इसमें दाखिल हुआ ना पीछे से दाखिल हुआ इसका मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इजतबा हुई हो जो ग़लत इसमें दाखिल हो गई हो ना कोई इजाफा इसमें दाखिल हुआ है बस बातिल से बिल्कुल महफूज है यानि कमी और ज़्यादती से कमी और नक्स से यानी न इसके मतलब निकले हैं न इसके मतलब इजाफ़ी कोई करके इसमें दाखिल किए गए हर लिहाज़ बातिल से ये महफूज है और तहरीफ से ये किताब महफूज है खुद कुरान मजीद की आयात भी यहाँ हमारी समझ हमारा हमारे अकीदे में जो हमारी समझ और दलील जो हम, अकली दलील हमें कहती है कि ये किताब को महफूज होना चाहिए आयात भी ये कहती हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है और इसको महफूज फरमाया है सिलसिले गुफ्तु यहीं से आगे जारी रहेगा इन अजीज़ानी के रामी यहाँ पर हम अपने आज के प्रोग्राम को अख्तिताम पर पहुँचाते हैं वल्ला मुहमदिन ताहरीन